हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम कुंभलगढ़ को विजिट कर रहे थे, तो आज चलते हैं डूंगरपुर को बारीकी से देखते हैं। भारत के राजस्थान स्टेट में स्थित है डूंगरपुर। सिटी ऑफ हिल्स के नाम से प्रसिद्ध डूंगरपुर शहर लगभग 3,770 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। डूंगरपुर शहर की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 13,88,000 है। यहाँ मुख्य रूप से वांगड़ी, हिंदी और गुजरात के पास होने की वजह से गुजराती भाषा बोली जाती है। यहाँ से होकर बहने वाली सोम और मही नदियाँ बांसवाड़ा से अलग करती है डूंगरपुर, राजस्थान। बात करें यहाँ के गौरवशाली इतिहास की तो 13वीं शताब्दी में रावल वीर सिंह ने डूंगरिया भील को हराकर इस शहर का नाम डूंगरपुर रख दिया था। 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया ने इस शहर पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों, यहाँ का मेन अट्रैक्शन उदय विलास पैलेस डूंगरपुर में ही है। इस उदय विलास को अब तक एक होटल में बदल दिया गया है। इस महल में राजपूती शैली को बहुत ही सुंदर सजाया गया है। इसके सेंटर में स्थित है एक थंबिया महल, इसमें पत्थरों की निकासी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। इस उदय विलास होटल में बना है डूंगरपुर कार म्यूजियम, वो भी एक बार के साथ। यहाँ आप अलग अलग रॉयल कारों को देख सकते हैं और गाड़ी वाला पेड़ इस म्यूजियम को यूनिक बनाता है। मेन सिटी से 60 किलोमीटर दूर है बेणेश्वर धाम मंदिर। मंदिर में इस क्षेत्र का प्रसिद्ध और पवित्र शिवलिंग स्थापित किया गया है। सोम, माही और जाखम नदियों के किनारे पर बना है ये त्रिवेणी संगम वांगड़ कुंभ के नाम से जाना जाता है। बेणेश्वर से जुड़ा मेन फैक्ट तो यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को यहाँ भी विसर्जित किया गया था। और यह ब्यूटीफुल आइलैंड मावजी की तपोभूमि भी रही है, जिन्होंने वांगड़ी भाषा में 5 उपदेशों की रचना की थी, जिन्हें कृष्ण का कलियुगी अवतार भी कहा जाता है। और इसी बेणेश्वर धाम मंदिर में पंचमुखी खंडित शिवलिंग को विराजमान किया गया है। साथ ही भव्य विष्णु मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और एक ब्रह्म मंदिर भी है। और आप यहां पर हर वर्ष जनवरी फरवरी में बेणेश्वर मेला भी एंजॉय कर सकते हैं। इस मेले में आप तलवार, चाकू, तीर कमान की शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब जरा इस चीज़ की ओर ध्यान भी दीजिए, यह है शुभ वेला पंचांग या पंचांग कैलेंडर, जो कि डूंगरपुर में भी प्रकाशित किया जाता है। इस पंचांग को कई विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि हिंदी भाषा को और ज़्यादा महान बनाता है। अब बात करूँ डूंगरपुर की शान गेब साकर लेक की, जो कि डूंगरपुर के दिल में स्थित है। यहाँ का सनसेट और सनराइज का व्यू तो आपका दिल ही जीत लेगा भाई, और रात में इसकी लाइटिंग की वजह से यहाँ की ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस गेब सागर लेक पर ही बना है बादल महल। बादल महल जो कि 2 मंजिला है, जहाँ पर आप बेटी बचाओ के संदेश के साथ ही हिस्टोरिकल चीज़ों को भी देख सकते हैं। इसी के पास है प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यानी कि 500 साल पुरानी श्रीनाथ जी की मूर्ति है। हिल टॉप फतेहगढ़ी से आप डूंगरपुर का अच्छा सा व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर भारत माता का टेम्पल, लाइटिंग फाउंटेन, हनुमान टेम्पल और आर्टिफिशियल झरना जरूर देखना चाहिए। डूंगरपुर की कालीबाई की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। हुआ यूँ था कि 1946 में अंग्रेजों ने एक पाठशाला को बंद करवाने की सोची, और अंग्रेजों ने अध्यापकों से बात की कि पाठशाला को बंद कर दो, लेकिन अध्यापक नहीं माने और अंग्रेजों ने वहाँ के अध्यापक सेंगाबाई को गाड़ी से बांध कर घसीटने लगे। तभी पाठशाला में पढ़ने वाली 12 वर्षीय कालीबाई ने गाड़ी से बंधे रस्से को काट दिया, जिससे अध्यापक सेंगाबाई तो बच गए लेकिन कालीबाई को अंग्रेजों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार कालीबाई ने शिक्षा को बचाने के लिए बलिदान दिया था। इसी बलिदान से प्रेरणा देने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर कालीबाई का पैनोरमा बनाया है। गेब सागर लेक पर बना ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन, यह है डूंगरपुर का बर्ड सेंचुरी पार्क। वाकई में क्या पीसफुल और शांत लोकेशन है यार। यहाँ पर ही स्थित है नानाभाई पार्क, जहाँ आप अलग अलग तरह के पक्षियों को देख सकते हैं। और पास ही धनमाता पहाड़ी पर बना विजयगढ़ फोर्ट, जो कि डूंगरपुर का सबसे ऊंचा स्थान है। सही में ये भी बहुत ही अच्छी लोकेशन है। यहाँ का देव सोमनाथ मंदिर, जो कि मात्र एक रात में बनवाया गया था, वो भी केवल पत्थर से। इस मंदिर की खास बात तो ये है कि इस मंदिर के दरवाजे भी पत्थर से हैं और पूरा मंदिर भी पत्थर से ही बना है। दोस्तों, इन सब लोकेशन के अलावा डूंगरपुर में कई फेमस लोकेशन हैं और मंदिर भी हैं, जिन्हें हम डूंगरपुर की टूर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। बात करें यहाँ की पिन कोड की, तो डूंगरपुर का पिन कोड है 314001 और यहाँ की गाड़ियाँ RJ12 से रजिस्टर्ड होती हैं, RJ12 वाले हैं डूंगरपुर। यहाँ के गट्टे की सब्जी, मावा कचौरी, मिर्ची बड़ा और केर सांगरी यहाँ के फेमस फूड हैं। साथ ही यहाँ के बाजरे की राब का तो खतरनाक ही टेस्ट है भाई। तो ये था डूंगरपुर का कंप्लीट वीडियो। अगर कोई भी डूंगरपुर की लोकेशन छूट गई है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।